ओम शांति। आज 17 मई 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और आज की बाबा की मुरली है यात्रा। एक है जिस्मानी यात्रा, एक है रूहानी यात्रा। दोनों का कॉन्ट्रास्ट बाबा बताते हैं कि जिस्मानी यात्रा पर मनुष्य कितना धक्का खाते हैं, लेकिन ये रूहानी यात्रा तुम घर बैठे प्यार से बाबा को याद कर सकते हैं। जिस्मानी यात्रा के लिए ही कहा गया है कि चारों धाम लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, लेकिन इस रूहानी यात्रा में तुम घर बैठे भी बाप के समीप और समान बन जाते। लेकिन दोनों यात्राओं में एक और बात भी है, बाबा कहे दोनों यात्रा में पवित्र जरूर रहते हैं। जिस्मानी यात्रा में भी पवित्र रहते हैं, फिर आकर के विकारी बन जाते हैं, लेकिन इस रूहानी यात्रा में तुम सारा जीवन पवित्र रहते। इस रूहानी यात्रा में आमदनी बहुत है, कमाई बहुत है, जबकि जिस्मानी यात्रा में खर्चा बहुत है। साथ ही साथ बाबा कहे जिस्मानी यात्रा करते हैं, भगवान को याद जरूर करते हैं, लेकिन देह अभिमान में करते हैं, जबकि रूहानी यात्रा में तुम सब देही अभिमानी होते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की, अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाप की याद में रहना है, यह है वंडरफुल यात्रा। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? उत्तर है, जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया, पुकारते रहे। जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया, पुकारते रहे, वह जागीर देने वाला जब आया, तब उनका बनकर फिर फारगती दे देते हैं। ये बाबा को बहुत वंडर लगता है कि वह जागीर देने वाला जब आया है, तब उनका बनकर फिर फारगती दे देते हैं, तो बाप को वंडर लगता है। बच्चे चलते चलते ऊंच चढ़ने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, यह भी कैसा वंडर है, यह भी कैसा वंडर है। दूसरा प्रश्न, किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? उत्तर, जो बाप के रचे हुए रुद्र यज्ञ की अच्छी संभाल करते हैं और सदा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। आज की मुरली से गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, इस धरती के प्यारे हैं। ओम शांति। रूहानी यात्रियों ने यह गीत सुना। तुम बच्चे हो रूहानी यात्री, वह जो यात्रा पर जाते हैं उनको कहा जाता है जिस्मानी यात्री। वह जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प चलती है। जन्म बाय जन्म तुम यात्राएं करते रहे, वह जिस्मानी यात्राएं करके फिर भी लौट कर घर में आ जाते हैं। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा। वह होते हैं जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम पंडों का उस्ताद कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा। उनको कहा जाता है पांडव सेना का आदि पिता। शिव बाबा को कहा जाता है पांडव सेना का आदि पिता। तुम जानते हो हम देह अभिमानी थे, अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं।
आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए, देही अभिमानी क्यों मनाते? आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए। अब तुम रूहानी यात्रा पर हो, इसमें कर्मेंद्रिय की बात नहीं रहती। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं, फिर लौट कर आते हैं तो विकारी बन जाते हैं। यात्रा पर जाना भी गृहस्थियों को है। निवृत्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थ धर्म से न्यारा है। निवृत्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थ धर्म से न्यारा है। यात्रा पर ले जाने वाले हमेशा ब्राह्मण होते हैं। गाते भी है, चार धाम में फेरा किया, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। अब बाप यात्रा पर ले जाने के लिए तुमको पवित्र बनाते हैं। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में ले जाएंगे, फिर इस पतित दुनिया में आना ही नहीं है। वह जिस्मानी तीर्थ करके फिर लौट आते हैं, आकर गंदे धंधे करते हैं, यात्रा पर क्रोध की भी मना करते हैं। यात्रा पर जो जाते हैं उनको क्रोध की भी मना करते हैं। खास वह टाइम पतित नहीं बनते हैं। चार धाम की यात्रा करने में 3-4 मास लग जाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं जा रही है। बाप का फरमान है, जितना हो सके मेरी याद में रहो। यह है मुक्ति धाम की यात्रा। तुम वहां जा रहे हो, वहां के रहवासी हो। बाप रोज रोज कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम आगे जाते रहेंगे। घर बैठे तुम ये यात्रा करते हो, तो वंडरफुल यात्रा हुई ना। योग अग्नि से सब पाप कटते हैं। आधा कल तुमने जिस्मानी यात्रा की है, पहले अव्यभिचारी यात्रा थी, फिर व्यभिचारी यात्रा हुई। पूजा भी पहले एक शिव की करते हो, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण आदि की। अभी तो देखो कुत्ते बिल्ली टिक्कर बित्तर आदि सबको पूछते रहते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे ये सब है गुड़ियों की पूजा, शिव बाबा के और देवी देवताओं के ऑक्यूपेशन को जानते नहीं है। गुड़ियों का ऑक्यूपेशन नहीं होता है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को न जानना वह जैसे पत्थर पूजा हो गई। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को न जानना वह जैसे पत्थर पूजा हो गई। फिर भी कुछ न कुछ मनोकामना पूरी होती है। शिवलिंग की पूजा करते करते बाबा कहे, फिर भी कुछ न कुछ मनोकामना पूरी होती है। सत्युग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं, वहां मंदिर आदि कहां से आए? वहां मंदिर ही नहीं, कोई पूजा नहीं, तो बाबा कहे यात्रा भी नहीं है। यह तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। अपने को पतित समझते हैं तब तो पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। कुंभ के मेले का भी राज समझाया है। यह है सच्चा सच्चा संगम। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहु काल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। सतगुरु पतित पावन दलाल के रूप में आकर मिलते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं, इस दलाल द्वारा यानी ब्रह्मा बाबा दलाल के द्वारा तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराते हैं, अथवा बच्चों को अपना परिचय देते हैं। बच्चे मैं आया हूं, इसलिए तुमको शांति धाम की यात्रा पर ले जाने, पावन दुनिया में ले जाने। बच्चे जानते हैं
भारत पावन था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, आर्य धर्म नहीं था। आर्य और अनार्य, अगर देवताओं को आर्य कहे तो आर्य धर्म में राज्य कौन करते थे? आर्य कहा जाता है पढ़े हुए को। इस समय सब अनार्य अनपढ़े हैं, बाप दादा को जानते ही नहीं। ऊंचते ऊंच है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजा पिता ब्रह्मा, तो जगत अम्बा भी प्रजा माता कह रही। इन द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। यह है एडॉप्टेड चिल्ड्रन। कौन एडॉप्ट करते? बाबा पूछते कौन एडॉप्ट करते? परम पिता परमात्मा। तुम जानते हो हम उनकी संतान है, परंतु बाप को भूल ऑर्फन बन पड़े हैं। गॉड फादर का कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बाप आकर फिर ऐसे को पावन बनाते हैं। बाप ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। अब जहां जाना है उसको याद करना है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। युद्ध का मैदान है ना, तुम बाप के बनते हो, माया फिर अपना बनाती है। प्रभु और माया का नाटक है। ये नाटक है ही किसका? प्रभु और माया का नाटक है। बाबा का बनकर फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। माया भी बड़ी पहलवान है। ये बुद्धि योग बल की युद्ध बाप के सिवाय कोई सिखला न सके। सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से ही ताकत मिलती है। तुम जानते हो अब पवित्र बन फिर वापस घर जाना है। यहाँ पाठ बजाने के लिए ये शरीर लिया है। हमने 84 जन्म पूरे किए। यह है पिछाड़ी का छोटा सा महान कल्याणकारी युग। तुम सब ज्ञान गंगाएं, ज्ञान सागर से निकले हो। बाप कहते हैं बाप को याद करते रहो तो क्या होगा? तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और भविष्य 21 जन्म के लिए भी तुम अमर बनेंगे। क्या कहा? बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और भविष्य किस जन्म के लिए भी तुम अमर बनेंगे। अकाले मृत्यु कभी नहीं होगा। समय पर आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। चलते फिरते बाप की याद में रहना है। इस याद से तुम सृष्टि को पवित्र बनाते हो। बाप आए ही है इसलिए पावन बना। सैपलिंग भी उनका लगेगा जो देवता थे। अब शूद्र बने हो और धर्म में भी कन्वर्ट हो गए। बाबा कहे अब शूद्र बने हैं और धर्म में भी कन्वर्ट हो गए हैं। वह सब निकलते आएंगे। सबके अपने अपने सेक्शन है। यहाँ भी सबकी अपनी रसम है। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो पहले ब्राह्मण बने थे वही आएंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। बाबा कहे ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। ब्रह्मा का न बने तो शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। जो देवता धर्म के हैं वो ब्राह्मण धर्म में जरूर आएंगे। अभी तुम कांटे से फूल बने हो, कोई को दुख नहीं देते। सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? रावण। 5 विकारों रूपी दुश्मन गुप्त है। आधा कल्प से सबको लड़ाकर गिराए पतित बना दिया है।
माया रावण ने आधा कल्प से क्या किया, सबको लड़ाकर गिराए पतित बना दिया है। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, बेहद के बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें सब स्वाहा करना है। जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है, नामी है राजस्व, राजाई के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना बड़ा यज्ञ रचा है स्वर्ग की स्थापना के लिए। जानते हो, अब यह दुनिया ट्रांसफर होनी है, दिल में नशा रहता है। बाबा ने यज्ञ रचा है, इनको अच्छी रीति संभालना है। जो श्रीमत पर चलेंगे उनको बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी। यज्ञ की अच्छी संभाल करते हो तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस जागीर के लिए तुमने आधा कल्प धक्का खाया, बाप आते हैं देने तो ऐसे बाप को फिर फारगति दे देते। बाप वंडर खाते हैं। सजनिया गाती थी आप पर बलिहार जाऊं, अब आया हूं तो तुम मेरे बनकर फिर फारगति दे देते। कितना आश्चर्य लगता बाबा को। वह फिर ऊंच चढ़ने के बदले नीचे गिर पड़ते। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। फर्क तो है ना, कहां प्राइम मिनिस्टर आदि और कहां गरीब भील लोग। तो अब पुरुषार्थ कर बाप से राजाई लेनी चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें नाम कृष्ण का डाल दिया है। भक्ति मार्ग के लिए यह सब चीजें शास्त्र आदि बने हुए हैं। भगवान तो एक ही है जिनको पतित पावन कहा जाता है। शांति धाम और सुख धाम में कोई भी पुकारते नहीं, तो बच्चों को पूरा नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कहे बच्चों को पूरा नशा चढ़ना चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इनके बाद फिर यज्ञ नहीं रचा जाता। सत्ययुग त्रेता में तो कोई यज्ञ होता ही नहीं। वह जिस्मानी यज्ञ रचते हैं द्वापर के बाद, इसलिए आफतों को मिटाने के लिए। बाप कितनी बड़ी आधा कल्प के लिए आफतें मिटाते हैं। आधा कल्प में कोई आफतें आनी नहीं है, यह कोई साधु संत नहीं जानते। मुख्य गीता माता जो भगवान ने गाई, उसमें नाम कृष्ण का डाल दिया है। तो अब मनुष्य को सावधान करना है, क्योंकि उन्हों का बुद्धि योग कृष्ण से जुट गया है। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते मन मनावो, मुझे याद करो तो साथ ले जाऊंगा। यह बाप बैठ यहाँ लायक बनाते हैं, सांवरे से गोरा बनाते हैं। तुम श्याम बन गए थे, बाबा फिर सुंदर स्वर्ग का लायक बनाते हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद करना है। बस यह अवस्था जम जाए तो तुम्हारा कितना बेड़ा पार हो जाए। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, बाबा से तुम इतना वर्षा लेते हो तो ऐसे बाप को कितना याद कर उनकी शिक्षा पर चलना चाहिए। कांटों को फूल बनाना है। अभी तुम फूल बन रहे हो। ये बगीचा है, ये बाबा का चैतन्य बगीचा है। अभी है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, दुनिया है कांटों का जंगल, और बाबा का है बगीचा, फूलों का बगीचा। अकासुर बकासुर ये संगम के नाम है। उद्धार तो सबका होना है। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा पाएंगे, तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अभी तुम्हारी 100% चढ़ती कला है, फिर कलाएं कम होती जाती है,
इस समय कलाएं बिल्कुल खत्म हो गई है। गाते भी है, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। बाप को रहम दिल कहते हैं ना, कल्प कल्प संगम पर आते हैं। भारत स्वर्ग होगा तो सब सुखी हो जाएंगे। अभी बच्चों को श्रीमत पर चलना है, आसुरी मत पर नहीं। बाप कहते मेरी सबसे जास्ती ग्लानी करते हैं, या तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा, या तो फिर कण कण में कह देते, या तो कहते नाम रूप से न्यारा, या तो कह देते कण कण में भगवान। ये सब ड्रामा में नूंद है। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और बाप को जान बाप से वर्षा ले रहे हो। अभी तो खूने नाहक खेल होना है, नाहक सब आफतें आएगी। कितने मरेंगे भक्ति मार्ग में, तो कितने देवियों के चित्र बनाते हैं, खर्चा करते हैं, देवियां बनाकर पूजा कर फिर डुबो देते हैं। तो गुड़ियों की पूजा हुई ना, काली का कैसा चित्र बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य थोड़ी होते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो यात्रा पर हो, बाबा कहे तुम शांति में बैठे हो तो भी यात्रा पर हो, ट्रेन में बैठे भी रूहानी यात्रा पर हो, बुद्धि यात्रा पर लगी हुई है। अगर बुद्धि योग लगा हुआ नहीं है तो वह टाइम वेस्ट हो जाता है। बाप कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, सेकंड भी कमाई बिगर छोड़ो नहीं। बाप तो फुल पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए ये यज्ञ रचा है। बाबा बाबा करते रहना है तो बेड़ा पार होगा। हम ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देना है। बहुत मीठा बनो, क्रोध से बड़ी देर सर्विस कर लेते हो। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, भूत बड़े खराब है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, यह टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए एक सेकंड भी इसे कमाई बिगर नहीं छोड़ना है। आत्म अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है। बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर वन लेने वाले परमात्मा सिद्धि स्वरूप भव। यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर वन लेने वाले परमात्मा सिद्धि स्वरूप भव। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः खत्म हो जाता है, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर विन कर नंबर वन ले लेते हैं, उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही परमात्मा सिद्धि है। वह रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप यथार्थ विधि द्वारा
परमात्म सिद्धि को प्राप्त करते हो। आज का स्लोगन है, अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तू आत्मा है। अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तू आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।